हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर 1947। सर, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, हमारे जनरल साइंस में हमारा बायो का टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हमने करीब 32 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं दोस्तों। आज बात करेंगे 33 क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें दिया है 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में होता है, विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा होता है दोस्तों। इसमें डी करेक्ट रहेगा, अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, बकाया वसा से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है, कौन सी मद विटामिन है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, ये कह रहा है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, कौन सा परिवेश है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें विटामिनों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, और विटामिन दे रखे हैं दोस्तों, तो उन्हें मैच करना है। ये कह रहा है सही उत्तर के साथ सूचीबद्ध तथा सूची टू से जोड़े बनाएं। ये दोस्तों यहाँ पर विटामिन दे रखे हैं, चार विटामिन ए बी सी डी दोस्तों, चार हैं यहाँ पर, चार सीरीज नंबर हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर विटामिन B1, B2, B6 और B12, तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर चार नाम दे रखे हैं हमारे लिए दोस्तों, हमें यही मैच करना है। तो दोस्तों इसका हमें मैच करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। और हमें कैसे विटामिन बी वन जो है दोस्तों, उसका नाम जो करेक्ट है फ्रेंड्स, इससे नंबर तीन से मिला दी जाएगा, क्या, थायमिन। और बी टू का नाम होगा राइबोफ्लेविन। और बी सिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो बी सिक्स का जो नाम होगा वो होगा साइनोकोवालेमिन। और बी ट्वेल्व की बात करें तो इसका होगा एक नंबर, यानी कि पायरीडॉक्सिन। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं, ये आपको नाम जरूर याद कर लेने हैं विटामिन के, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आपको चार विटामिन दे दी जाएंगे, उनमें से नाम दे दी जाएगा, इस विटामिन का नाम कौन सा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर, कह रहा है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, यानी कि कौन सी विटामिन पाई जाती है मछलियों के तेल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है 39 नंबर, कह रहा है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 40 नंबर, ये कह रहा है विटामिन बी टू का अन्य नाम। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर किया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर इसका ऑप्शन करेक्ट कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर, ये कह रहा है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आगे, तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में पूरे विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 नंबर, कह रहा है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, अस्थियाँ जो होती हैं हमारी हड्डियाँ, वो कमज़ोर होती हैं विटामिन डी की कमी होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43 नंबर, ये कह रहा है सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है, किसकी, जल की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, इसलिए सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, ये कह रहा है बच्चों के अंग की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, किसकी, विटामिन डी की कमी होने, अगर कमी होगी तो उसकी अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ जल्दी मुड़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45 नंबर, ये कह रहा है दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत हैं, यानी कि दालों में कौन सा, मतलब दालें जो है दालों में क्या पाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो दालों में फ्रेंड्स विटामिन नहीं पाया जाता, यानी कि प्रोटीन पाया जाता है दालों में, इसलिए दोस्तों दालों के लिए दालों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों 46 नंबर, कह रहा है विटामिन डी अनिवार्य है, विटामिन डी जो है वो दोस्तों किस चीज़ के लिए अनिवार्य है, बताइएगा। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, यानी कि हड्डियां और मजबूत बनाने के लिए
है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, कह रहा है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, यानी कि वो सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, यानी कि विटामिन सी निकल जाता है सब्जियों को धोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषांतता किसकी कमी से होता है, यानी कि निषांतता मतलब रतौंधी, दोस्तों रतौंधी का जो रोग होता है दोस्तों, बताइए कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है निषांतता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, ये कह रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, स्कर्वी रोग। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर, ये कह रहा है मक्खन होता है, मक्खन यानी कि मक्खन क्या होता है वो पूछ रहा है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, तेल में परिशुप्त पानी। तो फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 50 तक दोस्तों, नेक्स्ट इससे आगे का आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों ये जितने भी मैं टॉपिक उठा रहा हूँ साइंस के सारे सभी जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव आपके सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।